जाएगी कि यहीं से ही कोई अच्छा जानवर खरीद कर ले जाया जाए। यहाँ पर बाजार में एक जानवर फरोख किया गया जिसका क्या खबरें चल रही थी, खबरें आ रही हैं कि कुर्बानी के जानवर महंगे हुए जा रहे हैं। तुम भी मक्का मंडी पहुंचो इससे पहले कि कीमतें और ऊपर चली जाए। ठीक है बेटा, इजाफा होता जा रहा है, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे रेट सुनो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अच्छा तगड़ा बकरा लाना, करामत साहब के बकरे से किसी सूरत कम नहीं होना चाहिए। और हाँ बास भाई, इस बार ऐसा बकरा लाना कि मोहल्ले में नाम बन जाए। फिक्र हो छोटे, ऐसा ही बकरा लाना। वैसे वैसे रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हैदर भाई बात सुनिएगा जरा। क्या हुआ यहाँ पे हैदर भाई? यार ये अपने करामत साहब है ना, उनकी मुलाजिम है, उसकी बच्ची के दिल में सुराख है। तो डॉक्टर्स ने 50,000 मांगी है ऑपरेशन के लिए। अब गरीब इंसान कहाँ से इतना काम कर सकते हैं? और अफसोस की बात है, करामत साहब ने कुर्बानी के लिए 90,000 का बगा खरीदा है जरा। तो वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। पर हैरत की बात यह है कि बकरे की खूबसूरत आवाज ने बच्चे का दर्द छुपा दिया। और हाँ बास भाई, हाँ बास भाई, इस बार ऐसा बकरा लाना है मोहल्ले में नाम बन जाए। पर हैरत की बात यह है कि बकरे की खूबसूरत आवाज ने बच्चे का दर्द छुपा दिया। ये क्या उठा लाए हो? कुर्बानी का जानवर है बाबा। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, 70,000 में यही मरियल बकरा मिला था तुम्हें। खुदा ने कब कहा है कि बकरे का कद ऊंचा होगा तभी कुर्बानी कबूल होगी? मुझे नसीहत मत करो, तुम्हें कह के भेजा था करामत साहब के बकरे से छोटा बकरा हरगिज़ ना लेके आना। मैं भी करामत साहब से मुकाबला जीतने गया था बाबा, लेकिन रस्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। जानते हैं बाबा, उस बच्ची ने जाते हुए मेरे कान में क्या कहा? खुदा कबूल करे। और यकीन जानिए बाबा, उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ
کہ خدا ہماری قربانی ضرور قبول کرے گا۔ قربانی ایک ایسا پاکیزہ فریضہ ہے جو قرب خدا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اس میں ریاکاری، دکھاوا، مقابلہ یا تکبر شامل ہو جاتا ہے تو یہی عمل خدا کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے اور انتہا امام حسین علیہ السلام ہے، جس کی روح ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنی دنیا و آخرت کی